साबित हो गई। आज हमारे साथ जिग्नेश मौजूद है। जी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि नजीब के लिए आज फिल्म भी रिलीज हो गई, लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही है, नजीब के मामले में 200 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लगातार धरने रैली, इतना चीखे चिल्लाए आंदोलन किए, सीबीआई वन फाइन दे, अचानक एक दिन क्लोजर रिपोर्ट फेल कर दी, कुछ क्रेडिबिलिटी चेकिंग से जैसे है कि नहीं, सीबीआई बंद कर दो भाई दुकान, काम नहीं करना है, तुम्हारी मंशा नहीं है, आता नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या है तकलीफ, एक लड़के को गायब किया है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, वो कहाँ गए, किन परिस्थितियों में है, उसकी माँ पूछ रही लगातार इतने लंबे अरसे से, आपके पास कोई जवाब ही नहीं, ताला लगा दो सीबीआई को। सर, तो क्या लगता है कि जब पुलिस ने किसी कोई काम नहीं किया, सीबीआई ने कोई काम नहीं किया, तो इस फिल्म से किसी पर कोई प्रेशर नहीं पड़ा? इस फिल्म का काम आपके और मेरे दिल में संवेदना पैदा कर, ठीक है, उस मामले में फिल्म सफल रही, फिल्म का काम पूरे मामले को डॉक्यूमेंट करना है, इस फिल्म ने ये डॉक्यूमेंट करके दिखाया कि किस प्रकार की लड़ाई हुई, सरकार और सीबीआई का चरित्र क्या है, सरकार और सीबीआई का चरित्र ये फिल्म बता दी, हाईली डूबियस का, सरकार की कोई मंशा नहीं, अम्मी नजीब की माँ बार बार कह रही है कि मैं नाम देने को तैयार हूँ कि इन लोगों ने मारा है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उनको रिमांड पर क्यों नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा के स्टूडेंट विंग है, कलंक रूप है ये, मोदी की सरकार के लिए कलंक रूप है, सीबीआई के लिए कलंक रूप है, सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल करना चाहिए, इस मुल्क की जनता को सीबीआई को ताला लगा देना चाहिए, ये कहने का मन करता है। 2019 किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि नजीब अभी तक वही है, और मैं आज से इसके अलावा कोई और आपसे बात नहीं कर रहा हूं। 2019 में तो देखिए बात साफ है, जिन 69% लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया, उनके पास कोई कारण कोई वजह नहीं है कि दोबारा वोट करें, लेकिन जिन 31% लोगों ने वोट किया था, वो किसानों की आत्महत्या, महंगाई, रफाल, भ्रष्टाचार, चीट फंड की कंपनियां, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे चीटिंग करना, जीएसटी, नोटबंदी, इन सारे कारणों के चलते ये जो 31% जो मोदी जी के साथ था वो हिल गया, उसी के चलते बार बार अंडसंग बातें मोदी जी के मुंह से निकलती हैं, तो मुझको पूरा यकीन है कि मोदी जी की घर वापसी होगी, ये अलग बात है कि हम उनको गुजरात में पसंद नहीं करते, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है आपकी जब घर वापसी हो तो गुजरात ना है, किसी और मुल्क में चले जाए।